T9 टीवी न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद में NMDC के करीब लब्बे सड़क वाक़ महालक्ष्मी स्टील पैलेस नामी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने फौरन फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस आग की वजह से माली नुकसान तो हुआ मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नुमाइंदा T9 टीवी न्यूज मोहम्मद लईक अहमद की रिपोर्ट। T9 टीवी न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करे साहब दुकान, हाँ, घर बंद करके घर को गया खाना खा लेके ऐसा बैठे। नीचे के बच्चे फूल की दुकान और वॉचमैन ने फोन करा, ऐसा धूल आ रहा भाई आगे देख लो। तो जब तक उन्होंने पॉकेट से पानी मार रहा तो फिर भी वो कम नहीं हुआ। तो फिर फायर इंजन को उन लोग ही फोन करके बुलाया। फायर इंजन वाला आके मारे तो जो कंप्यूटर रहता ना काउंटर के वहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट से ये जल गया। कितना लॉस हुआ? मिनिमम 10 to 20 lakh। तो वैल्यू नहीं बोल सकते कितना है, मिनिमम तो होता वैल्यूएशन।